इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अज़बकिस्तान में मसरूफ होने के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान ताखीर का शिकार हो गया। वजारत खजाना को मामूल के मुताबिक 15 सितंबर को आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान करना था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि ये मामला शंघाई तआवुन तंजीम के लिए अज़बकिस्तान के शहर समरकंद में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास हैं। वजारत खजाना के हुकाम रात गए तक इंतजार करते रहे, मगर वज़ीर आज़म हाउस से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल की समरी के बारे में कोई फैसला मसूल नहीं हुआ, जिसके बाइस रात 12 बजे तक कीमतों का ऐलान भी ना हो सका और वजारत खजाना अब भी वज़ीर आज़म के अहकाम की मुंतजर है। कराची चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में कराची समेत सिंध भर में आज और कल मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमे दाखिला सिंध की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कराची में 19 और 20 सफर को जिला गर्बी कमियाड़ी शर्की और वस्ती में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सजावल मुटियारी और जामशोरों मीरपुर खास और नवाब शाह में 20 सफर को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। हैदराबाद और सखर में 19 और 20 सफर, दादू और ठट्ठा में 19 से 21 सफर तक पाबंदी रहेगी। लाहौर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF से कर्ज मिलने के बावजूद इंटर बैंक में रुपए की कदर संभल ना सकी। इसके मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान बरकरार है। आज भी इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है, जो 1.12 रुपया महंगा होने के बाद 237 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपया महंगा होने के बाद 242 रुपये में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ, जो बाद में मनफी रुझान में तब्दील हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 156 पॉइंट्स कम होकर 41,615 पर आ गया है। DPO गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की ज़ेर क़यादत पुलिस का मुनशिया फिरोशो और नाजायज असलहा बरदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ब्यूरो चीफ गुजरात सहाफ़ी शुजा बेग तफसीलात के मुताबिक DPO गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की ज़ेर क़यादत गुजरात पुलिस का ज़िला भर में मुनशिया फिरोशो नाजायज असलहा बरदारों और मुजरमान इश्तहारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। SHO थाना सदर खारियाँ और इनकी टीम ने बदनाम जमाना मुनशिया फिरोश मोहम्मद वाजिद साकन चक सिकंदर को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1,310 ग्राम चरस, जबकि मुनशिया फिरोश नदीम अब्बास उर्फ डोरा साकिन चक महमूद से 1,330 ग्राम चरस बरामद करके मुजरमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। SHO थाना शाहीन चौक और इनकी टीम ने खातून मुनशियात फिरोश आयशा मकसूद साकिन रहमतपुरा को 1,220 ग्राम चर्च समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा मुजरिम इश्तहारी कैटेगरी बी आशिक हुसैन साकिन कालूपुरा को गिरफ्तार किया।